नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्लास टेंथ में कॉर्डिनेट इक्वेशन में ये रूल है। इस नेचर ऑफ रूट्स में हमारी एक्सरसाइज जो है 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1। हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें k का वैल्यू निकालना है। जब हम देखते हैं यहाँ पर a जो है वो 2 के बराबर है, और b जो है वो k के बराबर है, और c जो है वो 3 के बराबर है। इस तरह हमारे पास फार्मूला है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और इक्वल है, तब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, यानी हम इसको डी लिखते हैं, ये 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? b² - 4ac। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 के बराबर है, इट इंप्लाइज दैट b² - 4ac इज इक्वल टू 0। जब हम इसका वैल्यू देते हैं a b² - 4ac, हमारे पास b जो है वो k के बराबर है, मैंने k² लिखा, 4 फार्मूला का है, हमने 4 लिखा, यहाँ पर a है, हमारे पास a 2 है, और हमारे पास अब क्या है c, वो हमारे पास 3 है। इस तरह फार्मूला है b जो है b², ये b² k² के बराबर है, 4 2 के बराबर है, और 3 के k² - 4 × 2 8 8 × 3 24। हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया k² = -24, आर वी कैन से k² = 24, आर k = ±√24, आर k = ±2 × 6। ये हमारे पास k का वैल्यू निकला है। इसका मतलब जो है कि k जो है इसके